अंजमनी दुकानदारान जनरल बस स्टैंड के इंतखाबात के लिए मुकर्रर तारीख तक सदर के लिए मोहम्मद आरफ रफीक और जनरल सेक्रेटरी के लिए सैयद आमर शाह के मुकाबला में किसी भी उम्मीदवार ने कागजात जमा न करवाए, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर सुलमान गोंदल ने मेम्बरान की मौजूदगी में कामयाब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इस मौके पर अंजमनी दुकानदारान जनरल बस स्टैंड के मेम्बरान की कसीर तादाद मौजूद थी। जो कैंडिडेट मेरे पास कागजात नामजदगी जमा कराने आए हैं वो दूसरा और कोई मुकाबले में ना आने की वजह से वो ग्रुप कामयाब करार पाया है। उसमें बतौर सदर नामजद हाजी मोहम्मद आरफ रफीक साहब और बतौर जनरल सेक्रेटरी सैयद आमर शाह साहब सिलेक्ट हुए हैं। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। जनरल बस स्टैंड के दुकानदारों ने उम्मीदवारों की कामयाबी पर ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाई तकसीम की। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर मोहम्मद आरफ रफीक और जनरल सेक्रेटरी सैयद आमर शाह ने कहा कि अंजमने दुकानदारान जनरल बस स्टैंड के मेम्बरान ने जिस तरह हम पर इत्मीनान का इजहार किया है, हम उनके इत्मीनान पर पूरा उतरेंगे। मैं सब भाई दुकानदारों का शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है। मैं सदर नहीं, ये मेरे जो गरीब भाई दुकानदार वो सदर है, ठीक है। हम सब एक हैं, इंशाल्लाह मैं गरीब भाइयों के लिए काम करूंगा। कोई दुकानदार को रात 2 बजे भी काम हो, मेरी पूरी कमेटी हाजिर है। मैं लारी अड्डे की आवाम ने मुंतजब किया, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह इनकी तवक्कोआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो हमारे सदर ने भी कहा कि हम इंशाल्लाह 24 घंटे हमारी हाजिर है सर्विस इनके लिए। नौ मुंतखब अहदेदारान ने जनरल बस स्टैंड इंस्पेक्टर को जीत का नोटिफिकेशन भी जमा करवा दिया।